और वहीं देखिए जम्मू में आतंकी हमले का जयपुर में असर देखने को मिला है। मुरलीपुरा थाने के बाहर परिजनों का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है। देखिए परिजनों ने थाने का घेराव किया है, साथ ही परिजन और समाज के लोग मुरलीपुरा थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ की आर्थिक सहायता की मांग की गई है। साथ ही सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं परिजन। आपको बता दें, देखिए बड़ा ही दुखद हादसा ये हुआ है और धरना स्थल पर पहुंची है चोमू की विधायक डॉक्टर शिखा मील, एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ और एसपी अशोक चौहान ने परिजनों से की है बातचीत। और देखिए वहीं आक्रोशित ग्रामीण आर्थिक मुआवजे और सरकारी नौकरी देने की मांग पर अड़े हुए हैं। मृतकों के शवों को एम्बुलेंस में जयपुर से चोमू के लिए रवाना किया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां पर देखिए किस तरह से ये दुखद हादसा हुआ है और जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये दुखद हादसा हुआ है। और क्योंकि देखिए यहाँ पर 1-1 करोड़ का मुआवजा जो है देने का ऐलान किया गया है, लेकिन जो परिजन है वो आर्थिक सहायता और नौकरी की मांग भी कर रहे हैं। ये जो जम्मू कश्मीर में आस्था का केंद्र माँ वैष्णो देवी के दरबार में जो एक बस पे आतंकवादी हमला होता है और उस आतंकवादी हमले में हमारे विधानसभा के 4 व्यक्ति अपने जीवन की शहादत देते हैं। आज एक घटना को 3 रोज हो गए, 3रे रोज बाद में परिजन और आम जनमानस के साथ हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि शव हमारे बीच में पहुंचे और अंत्येष्टि हम उसका करें। उससे पूर्व परिजनों की और हम सब लोगों की, जनप्रतिनिधियों की ये मांग है, 36 बिरादरी के लोगों की ये मांग है कि राजेंद्र और उसके परिवार में कोई भी व्यक्ति अब ऐसा बचा नहीं है। उसकी आर्थिक स्थिति को हम देखते हैं, उसका बाजार में व्यापार था, दुकान थी, दुकान के ऊपर भी लाखों रुपए का उसने कर्ज ले रखा है। एक उनके बिटिया है, 2 बेटे हैं। हमारी परिवारजन की यही मांग है कि सबसे पहले तो जिन आतंकवादियों ने ये कायराना हमला किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा, मौत मिले। दूसरी हमारी मांग है कि इस परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए पूर्व में ऐसी घटनाएं देश और प्रदेश में घटी है तो निश्चित रूप से केंद्र और राज्य की सरकार ने आर्थिक पैकेज के रूप में बहुत बड़ी आर्थिक सहयोग की राशि परिवारजन को दी है। तो हमारी मांग है कि 1-1 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज मिले और प्रत्येक जो इनके दो बेटे हैं उनको सरकारी नौकरी मिले, ऐसा हम सब लोग और परिवारजनों की मांग है। और वहीं देखिए मलखान मीना हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और उनसे हम बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर जो परिजन है उन्होंने थाने का घेराव जरूर किया है और देखिए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए यहाँ पर बाजार बंद किया गया है। मलखान, क्योंकि आप वहाँ मौजूद है, सबसे पहले लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि आक्रोशित जरूर है लोग, गुस्से में जरूर है, क्योंकि ये बहुत दुखद खबर है और बाजार बंद यहाँ पर किया गया है, मुआवजा यहाँ पर मांगा गया है और साथ ही कहा गया है कि नौकरी भी यहाँ पर दी जाए। क्या कुछ लोग कह रहे हैं और क्या कुछ अभी वहाँ माहौल आपको दिख रहा है? देखिए बिल्कुल सोनल, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी हमला होता है और उसमें राजस्थान के जयपुर के चोमू से एक ही परिवार के 4 लोग जिंदगी से दूर चले जाते हैं, तो ऐसे में अभी जो तमाम जो लोग हैं वो जयपुर के मुरलीपुरा थाने के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि बड़ा जो धरना की बात की जाए तो चोमू में भी लगातार धरना किया जा रहा है और यहाँ के जो लोग हैं उनकी मांग क्या कुछ है, उनकी मांग है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले। एक बार मेरे सहयोगी से कहूँगा, ये जो तस्वीरें दिखाएं ये जयपुर के मुरलीपुरा थाने के आगे हैं, आप देख सकते हैं कि तमाम जो तस्वीरें, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और मांग उनकी यही है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले। महिलाएं तक भी हैं, आप चारों तरफ देख सकते हैं कि पूरा जो रोड है वो जाम किया हुआ है और लगातार सुबह से यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि सिर्फ जिस तरह से पहले पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी कन्हैया लाल
हत्याकांड हुआ था तो उसमें भी सरकार ने मुआवजा दिया था और वही मांगों को लेकर यहाँ पर ये लोग अड़े हुए हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ मांग है, क्योंकि ये सुबह से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आतंकवादी हमले में एक ही परिवार के चार लोग गए हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर क्या मांग है, किस तरह? हमारी मांग ये है कि हमारे जो आतंकवादी गतिविधियों के अंदर जो हमारे आदमी मारे गए, जिसमें जो तीन तो मुलीपुरा के हैं, दो चौमू के हैं, और मांग ये है कि जो अभी पूर्व की सरकार के द्वारा आतंकवादी जो घटना घटी थी उसमें 50-50 लाख का पैकेज दिया गया था और परिवार के सदस्य जो दो नौकरियां दी गई थी, हमारी यही मांग है, इसलिए धरना कर रहे हैं। अभी तक क्या कोई सरकार की तरफ से कोई कोई नहीं सुनाई की जा रही है? देखिए बिल्कुल सोनल, जिस तरह से पीड़ित परिवार हैं उनकी पूरी तरह से मांग यही है और बातचीत करते हैं कि जिस तरह से ये आप देख सकते हैं तस्वीरें और यहाँ पर ये तस्वीरों से साफ ये जाहिर हो रहा है कि देखिए बिल्कुल सोनल, एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अब सीकर रोड को जाम करने की कोशिश की जा रही है। ये देख सकते हैं कि थाने से जो तमाम लोग हैं वो सीकर रोड की तरफ रवाना हो चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए आपको लगातार जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं अब ये सीकर रोड की तरफ बढ़ रहे हैं और सीकर रोड को जाम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अभी तक जिस तरह से थाने के अंदर बीजेपी के विधायक हैं बाल मुकुंचारी, वो जरूर यहाँ पर हैं, यहाँ के पार्षद हैं, लेकिन अभी किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनी है। और ये जो तस्वीर आप बड़ी चीज यहाँ पर ये भी कि सरकार की तरफ से, या आप देखिए बाल मुकुंचारी तो वहाँ मौजूद है ही, लेकिन कोई भी ऐसी सामने कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और लगातार देखिए जाम जिस कदर यहाँ पर वो कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि कोई भी मुआवजा या कोई भी सरकारी नौकरी उस दुख को कम नहीं कर सकती है। क्या कुछ और अपडेट आप ये बताइए कि सीकर रोड को यहाँ जाम करने की जो है ये लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल सोनल, जिस तरह से बीजेपी के विधायक थे बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि सरकार इस पर जल्दी कोई बड़ा संज्ञान लेगी, लेकिन फिलहाल किसी तरह का कोई बड़ा अपडेट नहीं आया। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सीकर रोड की तरफ धीरे धीरे थाने से जो रवाना हो, ये तमाम जो लोग हैं जो सीकर रोड को जाम करने के लिए रवाना हो चुके हैं, तो ये तस्वीरों से साफ ही जाहिर हो चुका है कि अभी तक जो सरकार की तरफ से कोई भी किसी तरह का कोई अपडेट नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, लगातार जो लोग हैं वो सीकर की रोड की तरफ बढ़ते हुए नजर, यानी उनके परिवार के लोग भी वहां मौजूद हैं कुछ जो सीकर रोड पर जा रहे हैं, या फिर ये सिर्फ उनके समर्थक हैं यहां पर जो जाम है उसमें पूरी तरह से जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये महिला है और ये लगातार जो मांग है इन लोगों की वो ये की मांग है कि पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और मुआवजा मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पे गुस्सा, दुख और आक्रोशित जिस हिसाब से लोग हैं और प्रदर्शन जिस हिसाब से लोग कर रहे हैं वो साफ तौर पर ही दिखा रहा है कि लोग बेहद नाराज है, क्योंकि किसी भी परिवार का कोई भी व्यक्ति की मौत हो जाना और वो भी तब जब वो किसी तीर्थ स्थान पर गया, ये एक बहुत बड़ी दुखद खबर है। साथ ही मलखान ना कुछ आगे जो लोग जा रहे हैं सीकर रोड तक, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करिए कि क्या उनके आगे का, क्या वो आगे प्लान कर रहे हैं, क्या कुछ आगे वो करना चाह रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं। एक बार मलखान उनसे आप बात करने की कोशिश कीजिए जो आगे की तरफ सीकर रोड की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सोनल, एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं वो सीकर रोड की तरफ जा रहे हैं तो उनसे बातचीत करते हैं एक बार। ये तमाम जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सीकर रोड की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत करेंगे हम एक बार जो लोग आगे आगे जा रहे हैं उनसे बातचीत करने। देखिए बिल्कुल बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है, कहाँ पर जा रहे हैं आप लोग, कहाँ सीकर रोड जाम करना चाहते हैं हम। क्या मांग ये है कि एक तो सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए की मांग है सर, जो कन्हैयालाल को दिए थे ना वो हमारी मांग है सर। देखिए बिल्कुल सोनल, ये लगातार बातचीत जो गहलोत सरकार ने जो किया था वही मांग रहे हैं इन सरकार से। सोनल तमाम अधिकारी हैं पुलिस के वो भी यहाँ आगे आगे जा रहे हैं और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बिल्कुल धीरे धीरे जो सीकर रोड की तरफ रवाना हो चुके हैं और तमाम जो कार्य धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो धीरे धीरे सीकर रोड की तरफ रवाना हो गए हैं।
साथ ही मलकान बिल्कुल तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो है लोगों में गुस्सा है, भारी आक्रोश है और प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस हिसाब से नारे वो लगा रहे हैं। और देखिए पुलिस भी वहाँ तैनात है, देखिए सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन देखिए ये दुख सिर्फ एक परिवार ही समझ सकता है, क्योंकि परिवार ने ही अपने सदस्य को खोया है यहाँ पर, और ये बेहद दुखद खबर है। और देखिए जम्मू में जिस तरह आतंकी हमले हुए उसमें जयपुर से देखिए परिजन चार लोग यहाँ पर मौजूद जिनकी मौत हो गई, और परिजनों ने देखिए थाने का घेराव किया है। कुछ तमाम मांगे हैं उनकी, और मांगे जो है उस दुख को पूरा नहीं कर सकती, पर लेकिन जो आफ्टर डैमेज जो है यहाँ पर कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है, और कुछ प्रतिक्रिया आना भी ज़रूरी है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। तो देखिए मलखान मीना मेरे सहयोगी मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, जो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही है, जिस हिसाब से देखिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और बाजार बंद कर दिया है जयपुर से, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए मलखान, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद है, एक बार लोगों से बात करने की और कोशिश कीजिए कि आखिर आगे क्या उनका एक्शन प्लान है, क्या वो थाने में जाकर कुछ बातचीत करेंगे या घेराव जो करा हुआ है, देखिए किस हिसाब से, देखिए यहाँ पर ये पुलिस बल जो तैनात है लगातार, देखिए किस हिसाब से यहाँ पर ये धक्का मुक्की हो रही है, और पुलिस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है यहाँ पर, क्योंकि जिस हिसाब से ये प्रदर्शन हो रहा है आक्रोशित लोग हैं, और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है सिचुएशन को, और जिस हिसाब से लोग तितर बितर हो रहे हैं, सड़कों पर आ गए हैं, सड़क जाम यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मलकान पूछिए लोगों से कि आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया रहने वाली है, आगे क्या कुछ एक्शन रहने वाला है। मलकान तो देखिए जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना में मारे गए चार लोगों के शव जो है जयपुर पहुंचते ही देखिए आंदोलन जो है वो तेज हो गया है, प्रदर्शन जो है तेज हो गया है। मुरलीपुरा जयपुर की बात करें और चोमू थाने के बाहर हजारों लोग देखिए नारेबाजी कर रहे हैं, और साथ ही आपको बता दें कि जो मृतक आश्रित है उनके लिए सरकारी नौकरी और 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग को लेकर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं, और प्रदर्शनकारियों ने बाजार को बंद कराना शुरू कर दिया। और देखिए पुलिस जो है यहाँ पर बातचीत कर रही है उन तमाम लोगों से कि देखिए सड़क जाम नहीं करें, उससे बाकी लोगों को भी दिक्कत यहाँ पर हो सकती है कोई भी, अगर देखिए अगर ये बहुत दुखद खबर है सभी जानते हैं, लेकिन अगर सड़क जाम करने से मलखान हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। मलखान क्या कुछ बातचीत यहाँ पर कर रही है पुलिस इन प्रदर्शनकारियों से, क्योंकि बड़ा दुखद ये जो है पूरा वाकया हुआ है, लेकिन सड़क जाम यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, क्या कुछ बातचीत यहाँ पर हो रही है? तो उसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रहा है और बार बार कह रहे हैं कि सहमति बन चुकी है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से नहीं रुक पा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं रुक पा रहे हैं, और कह रहे कि जिस तरह से अभी अभी देखिए बिल्कुल बातचीत करते हैं गुस्सा है, और ये देख सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन रुक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये कह रहे हैं कि सहमति, पुलिस प्रशासन बोल रहा है सहमति बन चुकी है लेकिन किसी तरह से नहीं रुक पा रहे हैं। ये देखिए देखिए बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल सोने ले तस्वीर देखिए आप, पूरा पुलिस प्रशासन रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं जी कि अभी कह रहे हैं कि मांग पर सहमति बन चुकी है लेकिन अभी जो प्रदर्शन करता है वो रुक नहीं पा रहे हैं, और ये आगे रवाना हो चुके हैं, और ये तस्वीरें देखिए बिल्कुल पुलिस जी देखिए बिल्कुल रोकने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन इनको समझाइश कर रहे हैं कि सहमति बन चुकी है लेकिन किसी तरह से नहीं रुक पा रहे हैं। क्या सर कुछ करेगा? देखिए बिल्कुल रोकने की कोशिश की जा रही है लेकिन
ये रुक नहीं पा रहे हैं कि अभी सहमति बनी या नहीं बनी, इन्हें समझाया जा रहा है कि क्या कुछ है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस वाले हैं, पुलिस कर्मी हैं, वो समझाइश कर रहे हैं कि सहमति बन चुकी है। ये देखिए बिल्कुल सीकर रोड पर तस्वीरें देखिए आप, आप पूरी तरह से जहां करने की जो रणनीति थी वहां पर आ चुके हैं। हालांकि पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि सहमति बन चुकी है, लेकिन ये सीकर रोड पर आ गए हैं। अभी तक बिल्कुल ये तारे कि लिखित में हमारे सामने आना चाहिए, लिखित में तमाम चीजें हमारी जो मांग है वो सहमति लिखित में होनी चाहिए। जी ठीक है मलकान, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें, साफ तौर पर ये दिखा रही है किस तरह लोगों में गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है, और वो इसलिए भी क्योंकि किसी परिवार का सदस्य गया है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत दुखद खबर है कि चार चार एक ही परिवार के चार चार लोग जो है इस आतंकी हमले में देखिए उनकी मौत हो गई है। और जो परिजन है, आसपास के लोग हैं जो उनसे कनेक्टेड रहे होंगे, उनमें एक अलग गुस्सा है और दुख है। जो दुख है वो गुस्से के रूप में सामने आ रहा है। लेकिन मलकान ये भी बताइए कि लोगों से बात कीजिए कि आगे क्या कुछ ये लोग करने वाले हैं, इनसे पूछिए, वहाँ पर जो लोग मौजूद है बात करिए कुछ इनसे। बच्चे हैं और युवा हैं और इन सब की मांग सिर्फ एक ही है कि सरकारी नौकरी। अच्छा एक बार मलकान हम सुन लेते कि बाल मुकुंद आचार्य इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आपको सुना देते हैं। सबके साथ हम सब लोग हैं, पूरी राजस्थान सरकार है, और इसमें कम से कम कोई राजनीतिक माहौल नहीं बनाना चाहिए, ना राजनीतिक बात करनी चाहिए। जो लोग कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। इसमें तो सबकी संवेदनाएं जुड़ी है इस परिवार के साथ, और इन सबकी पूर्णता जिम्मेदारी, और जो घटना घटी वो उन घटना में सबका सहयोग होना चाहिए, और उसमें राजस्थान सरकार संवेदनशील है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय इस उच्च स्तरीय बातचीत करके और जल्दी से इसका निराकरण होगा, और इनके साथ पूरा परिवार के साथ पूरी सरकार है, और न्याय होगा। ठीक है, तो देखिए आपने सुना कि बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि इस पर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, पूरी सरकार इनके साथ है, परिजनों के साथ है। और देखिए मलकान मीना क्योंकि हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, मलकान के पास आपको ले चलते हैं और बातचीत कर लेते हैं महिलाओं से। हाँ मलकान बात कीजिए। पुलिस वाले बोल रहे सहमति बन चुकी, हम एक एक की वो 50-50 लाख रुपए और दो सरकारी नौकरी। ये कह रहे हैं कि जब तक लिखित में कुछ नहीं आएगा, जब तक किसी तरह से प्रदर्शनकारी यहाँ से नहीं हटने वाले हैं, और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है तमाम। मैडम क्या कहेंगे, पुलिस की मांग पर सहमति बन चुकी, कुछ भी नहीं बना, हमें पागल बनाया जा रहा है। सबूत चाहिए, हमें यहाँ सबके सामने पेश होना, ताकि पूरी दुनिया को सुबह से पागल बना रखा है उन लोगों ने। जब हम यहाँ आए तो बोले होंगे सहमति, क्या करेंगे सहमति, नहीं होने देंगे हम कोई सहमति, यहाँ होगी सहमति जो भी होगी। सोनल वही तय की तो महिला है, वो यही कह रही है कि सुबह से लगातार जब थाने के सामने बैठे हुए थे तो कोई सहमति नहीं बनी, जब यहाँ के लिए रवाना हुए तो पुलिस कर्मी कह रहे हैं कि सहमति बन चुकी है। अब इनका कहना है कि यहीं पर हम सहमति लेंगे, यहीं पर हमारे सामने लिखित में तमाम चीजें होनी चाहिए। एक बार तस्वीरें दिखाएंगे, देखिए। ठीक है मरखान, एक बार मैं आपके पास वापस लौटूंगी थोड़ी देर बाद, तब तक आप देखिए क्या कुछ वहां का माहौल है, लगातार आप नजर बनाए रखिए, और सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है वो भी देखना बाकी होगा।